ले चलते हैं आपको मध्य प्रदेश के शुजालपुर की ओर, जहां कलेक्टर ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का किया औचक निरीक्षण, व्यवस्थाओं का जायजा लेकर दुरुस्त करने के दिए निर्देश। शुजालपुर जिला कलेक्टर दिनेश जैन ने काला पीपल में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र काला पीपल में दवाई की पर्याप्त व्यवस्था एवं वितरण के बारे में जानकारी लेते हुए वहां के कोविड केयर सेंटर के निरीक्षण कर बीएमओ को वार्ड में ऑक्सीजन पाइपलाइन को चेक कर दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही कलेक्टर ने बच्चों के लिए बनाए जा रहे आईसीयू वार्ड, जनरल वार्ड, लैब, एक्सरे रूम आदि का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर दिनेश जैन ने वहां के भर्ती मरीजों से बातचीत कर उनका हाल चाल जाना। देखिए, ये जो यहाँ का सिविल हॉस्पिटल है काला पीपल का, इसमें क्या अभी व्यवस्थाएं हैं और क्या और इम्प्रूव किया जा सकता है, क्योंकि राज्य शासन जो है लगातार स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ोतरी के लिए प्रयास कर रही है। तो अभी कोविड का जो थर्ड फेज चला था उसमें तो अभी चीज़ें कंट्रोल में रही हैं, लेकिन तो भी हमारी जो स्वास्थ्य सुविधाएँ हैं उनमें लगातार हम लोग बढ़ोतरी करने के लिए और क्या अच्छे से कर सकते हैं, स्टाफ की व्यवस्थाओं की बात है, मशीनों की बात है, लैब टेस्टिंग के लिए नई मशीनें आ रही हैं, एक्सरे वगैरह में भी कुछ मॉडर्नाइजेशन करेंगे, तो उसके लिए आज मैंने यहाँ दौरा किया है और उनसे समझा है कि क्या चीज़ों की जरूरत है। डॉक्टरों का स्टाफ तो क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स और बाकी में भी थोड़ी मतलब काफ़ी कमी है, लेकिन कोशिश करेंगे कि NHM वगैरह से कुछ व्यवस्था यहाँ हो जाए, क्योंकि बड़ा सेंटर है और यहाँ पर काफ़ी मात्रा में डिलीवरी